अलग अलग परंपराओं के जो बेस्ट जो योग के जो प्रचारक रहे, योग ऋषि रहे, उनकी चर्चा आपके सामने करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बात करेंगे और उनके काल में किस प्रकार से उन्होंने योग को एक नई ऊंचाइयों पर, एक आयाम पर पहुंचाया, उसके विषय में भी बात करेंगे। जी तो एक मिनट तक और सभी साथी जुड़ जाएं, जितने साथी जुड़ना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, एक मिनट तक कर लें, उसके बाद हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ पूरा योग परिवार स्वस्थ होगा, सुखी होगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा होगा और योग को जीवन में आत्मसात करने का भरपूर प्रयास आप लोग कर रहे होंगे। नियमित दिनचर्या में आप इसको शामिल करने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि केवल योग पढ़ने का विषय नहीं है बल्कि योग आत्मसात करने का विषय है। योग आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली विद्या है। तो इस विद्या को जी मनिंदर आनंद जी कह रहे हैं, कल मैंने 6 परिभाषाएं और देखी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको होमवर्क करना है। देखिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हों वो जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप होमवर्क के लिए भी करें, यानी कि वो सर आएंगे और सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। बिल्कुल भी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं रखनी है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, उसके बाद आपका जो पढ़ना है उसके बाद वो सारे प्रयास आपको स्वयं करने पड़ेंगे। मेरी जहाँ पे हेल्प होगी, मैं जितना हेल्प आउट कर पाऊँगा वो मैं ज़रूर करूँगा और आपको अपने स्तर पे भी इस पे काम करना है और देखते रहना कि किस प्रकार से इस चीज़ को और भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और भी पढ़ा जा सकता है। जी विवेक चौधरी जी पूछे, निबंध कर जल 25 जुलाई को हम देने वाले हैं। जी तो लगभग 200 साथी हो गए हैं। जी पूजा अग्रवाल जी, रंजना छावड़ा जी, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत खूब आप काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में। आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, आस पड़ोसियों को योग की एक एक बारीकियां सिखाने का काम करें और वो बारीकियां तब करेंगे जब आप अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ही आपको। जी मोहित जी आप प्रश्न कीजिए, क्या करना है आपको। मनीषा जी कोई लेट नहीं है, आप बिल्कुल सही टाइम पे हैं। जी मृत्युंजय जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी कोई सवाल हो तो, मोहित उपाध्याय कह रहे हैं कोई सवाल है तो जरूर पूछो, उसके बाद हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हो तो जरूर पूछना। बहुत धन्यवाद सभी का। जी तो शुरू करते हैं, मोहित उपाध्याय लास्ट में पूछना आप सवाल जो हैं। जी तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम, बहुत आशीर्वाद, बहुत छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम है और आप सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। तो आपका भी समय कीमती है और आपका जो टाइम है अभी वो बहुत ही कुछ सीखने का है, लर्निंग पीरियड है, तो उसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग या QCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दो ऐसी महान विभूतियों का परिचय मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूं जो योग के क्षेत्र में सबसे अग्रणीय रहे हैं, या जिसको आप कहें कि दो अलग अलग परंपराओं के दो ऐसे ऋषि, दो ऐसे संत, दो ऐसे नेता। देखिए नेता शब्द मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो नेता इसलिए कहे गए हैं कि उन्होंने योग के क्षेत्र में नेतृत्व किया है और नेतृत्व करके एक नए आयाम स्थापित करने का काम किया है और एक परंपरा को डेवलप करने का काम किया। तो योग के नेता कहें, योग के ऋषि कहें, योग के संत कहें, योग के महात्मा कहें, तो किसी भी प्रकार से आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। योग ऋषि कहें तो बहुत नामों से इनको जाना जा सकता है। तो दो ऐसे योग नेताओं की मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक महर्षि पतंजलि जी का और एक गुरु गोरखनाथ जी का। इनका काल क्या है, इनका जन्म के बारे में क्या अवधारणाएँ हैं, इनके जन्म से संबंधित क्या किदवंतियाँ हमारे सामने प्रचलित हैं और इनके किस किस प्रकार के योग की स्थापना की, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, उनके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आपको अच्छा भी लगेगा कि किस ऋषि ने किस प्रकार से काम किया है।
तो पहले हम बात करेंगे गुरु गोरख, पहले महर्षि पतंजलि जी की बात कर लेते हैं, उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी की बात करेंगे, और उसके बाद इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं लूंगा। सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी की बात करता हूँ। तो महर्षि पतंजलि जी के नाम से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इससे वाकिफ नहीं होगा, या महर्षि पतंजलि कहें, योग के पर्यायवाची के रूप में भी महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना जो की वो महर्षि पतंजलि जी के नाम पे ही की, और पतंजलि पहले ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने योग के बिखरे हुए ज्ञान को, अलग अलग जो ज्ञान अलग अलग जो बुकों में अलग अलग जगह पे जो फैला हुआ था, उस ज्ञान को एकत्रित करके एक धागे में पिरोकर, जैसे एक माला में मन के हम पिरोते हैं, तो उस प्रकार से एक माला के मन के पिरो करके उसको हम सबके सामने एक सूत्रबद्ध करने का काम किया है वो योग दर्शन के माध्यम से। तो महर्षि पतंजलि जी की जो अनुपम जो कृति है वो योग दर्शन है, जिसको योग सूत्र भी कहा जाता है। योग सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सूत्रों का वर्णन है, इसलिए उसको योग सूत्र भी कहा जाता है और वो दर्शन भी है। तो जो इंडियन फिलोसफी है उसका जो सबसे आधारभूत जो दर्शन है वो योग दर्शन कहा है। योग दर्शन पहला ऐसा प्रमाणिक और पहला ऐसा सुव्यवस्थित ग्रंथ है जो योग की सारी चीज़ों को, सारी बारीकियों को एक अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसकी रचना स्वामी महर्षि पतंजलि जी ने की। अब विषय आता कि महर्षि पतंजलि का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ये बहुत बात आती है। तो देखिए, महर्षि पतंजलि जी के जन्म के बारे में अनेक धारणाएँ हैं। कोई ने शेषनाग का अवतार बताता है, कोई इन्होंने किसी के अंजलि में ये पैदा हुए, अनेक प्रचलित कथाएं हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि उसमें अलग अलग विचार लोगों के हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, तो उसमें ना जा करके हम बात करेंगे 200 ईसा पूर्व और शताब्दी में। मैंने कल फ़र्क बताया था, ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं, और उसके बाद के समय को शताब्दी कहा गया है, जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी जब जो आ रही हैं, तो 200 ईसा पूर्व उसका उनका जन्म माना जाता है, और उसी समय पे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन की रचना की। तो योग दर्शन का काल कहें या महर्षि पतंजलि का काल कहें, दोनों काल एक ही होंगे क्योंकि महर्षि पतंजलि का जब जन्म हुआ है तो ही तो वो उसकी रचना कर पाए हैं। तो 200 ईस्वी पूर्व कोई 150 से 200 मानता है, कोई 180 से 250 मानता है, तो अलग अलग मान्यताएं हैं। पर्टिकुलर एक कोई डिजिट हम नहीं बता सकते कि इस फला डेट में वो उनका जन्म हुआ या फला स्थान पे हुआ, उसके बारे में अनेक मतांतर हैं। तो महर्षि पतंजलि जी को वैदिक योग परंपरा, देखिए दो परंपरा मुख्य रूप से कही गई है, एक वैदिक योग परंपरा, एक हठ योग परंपरा। वैदिक योग परंपरा जो है वो जिसमें वेद, उपनिषद, गीता, योग दर्शन से लेकर के ये जो परंपरा है ये वैदिक योग परंपरा कही है, और दूसरा जो परंपरा है वो आपकी कही गई है हठ योग परंपरा, जिसमें भगवान शिव से लेकर के मत्स्येंद्र से लेकर गोरखनाथ से लेकर गैवी चरपटी नाथ जितने भी नाथ संप्रदाय हैं, आज भी जिस व्यक्ति के नाम के पीछे नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है वो हठ योग परंपरा का व्यक्ति है। वो बात अलग है कि आज हठ योग को पूरी तरह से उन हठ योगियों ने भी भुला दिया है और केवल मठाधीश बन करके बैठे हैं, और वो किसी प्रकार का योग की एक्टिविटी में नहीं है और ना ही वो योग जानते हैं ना योग करते हैं। वो एक हमारा दुर्भाग्य है कि वो इस तरह की परंपराएं नहीं निर्वहन कर रहे, केवल मठों में मठाधीश बन करके बैठे हैं, उसी से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो देखिए, जब जब योग का प्रादुर्भाव हुआ है, जब जब योग का प्रचलन हुआ है, तब तक एक खुशहाली हुई है और एक योग में एक पूरा प्रचार योग को मिला है, तो योगों में सुख शांति का प्रादुर्भाव उस समय पर हुआ। जब जब योग को उपेक्षित किया गया, जब जब योग को डाउन किया गया, या जब जब योग के अंगों की पालना नहीं की गई, तब तक लोगों में विघटन हुआ है। आज देखिए COVID-19 है, बहुत वैश्विक महामारी है, उस वैश्विक महामारी में आप देखिए योग को कितना प्रचार मिला है, कितना बल मिला है, और कितने सारे मेरे पास कटिंग हैं, कितने सारे आप लोगों के पास कटिंग होंगे कि कितने लोगों ने अपने आप को COVID-19 में प्राणायाम करके, आसन करके, पॉजिटिव थिंक रख के किस प्रकार ठीक किया है, किस प्रकार से काढ़ा पी करके किया है, किस प्रकार से सात्विक आहार उन्होंने लिया है, उससे वो बहुत सारा उनको लाभ मिला है। तो बहुत सारे अनेकों उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। अब हम बात कर रहे थे महर्षि पतंजलि जी के जन्म की, तो 200 ईसा पूर्व उनका जन्म माना गया है, तभी महर्षि पतंजलि जी के जो अनुपम जो ग्रंथ है योग दर्शन की रचना की गई। तो उनको उनका जो दर्शन है वो किस पे आधारित है,
पहली बात तो आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेद की सत्ता में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक ग्रंथ होते हैं, दर्शन होते हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर जो सांख्य दर्शन है वो तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता लेकिन वेद को मानता है। तो वेद को मानने वाला प्रत्येक ग्रंथ आस्तिक कहा गया है और वेद की शिक्षाओं में विश्वास न रखने वाला प्रत्येक जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन में, जैसे बौद्ध, चार्वाक और जैन दर्शन है, उसको नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में रखा है और इनको आस्तिक दर्शन की कैटेगरी में रखा है। जो छह दर्शन होते हैं इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा हम आगे वाले व्याख्यानों में करेंगे। तो महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है वो अनुपम है। उससे उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि योग को ऐसा सुव्यवस्थित ग्रंथ जो उसकी रचना हजारों साल पहले हुई है और इतनी सुंदर हुई है कि एक सूत्र भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा है, एक सूत्र की भी आपको उसमें कमी नहीं लगती कि इस सूत्र की कमी रह गई यहाँ पे। और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहला ही जो सूत्र है अथ योगानुशासनम, कि अब योग का अनुशासन को प्रारंभ करने वाला जो ग्रंथ है, अनुशासित जो ग्रंथ है उसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा ही सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध है, पहले ही फिक्स कर दिया कि हमारा जो उद्देश्य है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, जो मैंने कल आपको लिखकर भी बताया था, जिसकी परिभाषा दी थी। तो पहले ही गोल को डिसाइड किया, उसके बाद उसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, पूरा समाधि पाद, फिर उसके बाद साधन पाद, किस प्रकार के साधन प्रयोग करने, फिर विभूति पाद, फिर कैवल्य पाद, इस प्रकार से उसकी रचना की गई। तो मुख्य रूप से चार पाद इसमें कहे गए। पाद का अर्थ है अध्याय, अध्याय यानी कि चैप्टर, चैप्टर को इसमें पाद कहा है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना कि प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है, चतुर्थ पाद है। पहला पाद का नाम समाधि है जिसमें समाधि के भेदों का वर्णन है, दूसरा साधन पाद है जिसमें क्रिया योग से लेकर अष्टांग योग का वर्णन है, तीसरा विभूति पाद है जिसमें अष्टांग योग और क्रिया योग का पालन करने से मिलने वाली विभूतियाँ, मिलने वाली सिद्धियाँ, मिलने वाली शक्तियों का वर्णन है, और चौथा कैवल्य पाद जिसमें फिर से कैवल्य के स्वरूप को यानी कि मोक्ष के स्वरूप को परिभाषित करने का काम किया है। इस प्रकार से चार पादों में विभक्त है। टोटल 195 सूत्र इसमें है। बहुत सारे लोग 196 बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, उसमें कोई आधार उनके पास नहीं है, इसलिए 195 सूत्र ही उसमें कहे गए हैं। चार पादों में, पहले जो समाधि पाद है उसमें 51 सूत्र कहे गए हैं, दूसरे में 55 सूत्र कहे गए हैं साधन पाद में, विभूति पाद में भी आपके 55 सूत्र कहे गए हैं, और जो चौथा और अंतिम जो पाद है कैवल्य पाद उसमें 34 सूत्रों का वर्णन किया गया है। आप कहेंगे कि योग जो महर्षि पतंजलि हैं उनकी क्या देन है। वैदिक योग परंपरा में बात करें तो पहला ऐसा सुव्यवस्थित ग्रंथ है जिसने, और पहले ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने योग को एक विस्तृत रूप से और पूरा योग के ऊपर ही कंसंट्रेट करके पूरे ग्रंथ की रचना उन्होंने की। योग के अतिरिक्त कुछ भी उन्होंने बात नहीं की। तो प्योर हम बात करें कि केवल और केवल योग के नेता, केवल और केवल योग के ऋषि, केवल और केवल योग के संत जिनको हम कहें, वो महर्षि पतंजलि हैं। और महर्षि पतंजलि जो हठ योग परंपरा के जो हम बात करेंगे गुरु गोरखनाथ जी, उनसे बहुत कई हजार साल पहले पैदा हुए हैं। 200 ईसा पूर्व और 10वीं शताब्दी बहुत काफ़ी फर्क हो जाता है। तो उसमें वो पैदा हुए और वहाँ पे उन्होंने इसका काम किया। तो इसमें हमने महर्षि पतंजलि जी की बात की, जन्म की बात की और उसकी जो शिक्षाएं हैं, अष्टांग योग की उन्होंने मान्यता है। तो सबसे प्रचलित जो योग का अंग है उनका वो अष्टांग योग है। अष्टांग योग से हम जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसकी बात की गई, अभ्यास, वैराग्य की बात की, क्रिया योग की बात की, ईश्वर प्रणिधान की बात की, आपका उसमें चित्त प्रसादन के उपायों की उसमें बात की है, दुखों की उसमें बात की गई है, कर्म के प्रकारों की बात की गई है, योगियों के कर्म बताए गए हैं। तो एक भी पहलू ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति ने योग का ज्ञान चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि मुझे आपका मुझे ऐसे बुक बताइए जिससे योग का पूरा ज्ञान हो जाए। तो जिन व्यक्तियों को योग का पूरा ज्ञान चाहिए और योग का पहला ऐसा ग्रंथ चाहिए जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है, वो केवल और केवल योग दर्शन आपका है। वो आपको योग दर्शन पढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मैं सलाह दूंगा। अच्छा, उसके बाद उसकी है कि कितनी भाषाओं में उसकी रचना हुई, कितनी टीकाएँ हुई, कितनी उस पर टीकाएँ लिखी गई हैं, कितने भाष्य किए गए हैं। तो सबसे जो प्रमुख जो भाष्य है ये भी पूछा जा सकता है। महर्षि पतंजलि जी का जो भाष्य है, महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन का जो भाष्य है, वो व्यास भाष्य,
महर्षि व्यास के भाष्य को सबसे प्रमाणिक माना गया है और उसी को आधार में रखकर उनके व्यास भाष्य हुए हैं और उसी को आधार माना गया है। माने जो महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन की बात की उस पे भाष्य करने का, उसको और भी ज़्यादा विस्तृत रूप में बताने का जो काम किया वो महर्षि व्यास ने किया। तो उनकी महर्षि व्यास की आपको उसका भाष्य भी पढ़ना चाहिए, उस पर अनेकों टीकाएँ टिप्पणियाँ हुई हैं, बहुत सारे उसके बाद उनकी जितनी कहें कि बहुत सारे राइटरों ने उस पर काम किया। शायद ही कोई विरला व्यक्ति ऐसा होगा योग के क्षेत्र में जिसने योग दर्शन पे काम ना किया हो, या कोई ऐसा पीएचडी का टॉपिक होगा जिसमें अष्टांग योग का पुट ना आया हो। कोई भी रिसर्च बिना आपके पतंजलि योग दर्शन के पूरी नहीं हो सकती, आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो ये हमने योग दर्शन की बात की कि योग दर्शन किस प्रकार से हमें एक नई मोक्ष की तरफ ले जाने का, कितने सरल, कितने आसान, कितने मार्ग प्रदान करता है। अलग अलग मतलब जो मध्यम कैटेगरी के जो साधक हैं उनके लिए अलग है, जो निम्न स्तर के हैं उनके लिए अलग है, जो प्रारंभिक स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आपका ये कहें कि बिगनर्स हैं उनके लिए अलग है, और जो उच्च कोटि के साधक हैं उनके लिए अभ्यास वैराग्य ईश्वर परिनिधान आदि का वर्णन उसमें किया गया है। तो ये किया गया। आसन की बात करें, सबसे पहले यम की बात करें, 5 यम 5 नियम आसन, ये सब मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको अष्टांग योग, इसको ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाते। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी हठ योग के सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध नेता हुए हैं, प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। जितना प्रचार गुरु गोरखनाथ जी का हुआ है उतना प्रचार आज तक किसी भी योग गुरु का नहीं हुआ है। यदि हम हठ योग परंपरा की बात करें, भगवान शिव के बाद जो मत्स्येंद्र नाथ थे, मत्स्येंद्र के जो शिष्य थे वो गुरु गोरखनाथ थे, और गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे जो मत्स्येंद्र नाथ थे, ना गुरु मत्स्येंद्र नाथ का इतना प्रचार हुआ कभी, ना ही उनके गुरु गैवीनाथ चरपटीनाथ मीननाथ जो चरपटीनाथ थे, इन जो ऋषियों का हुआ, जो सबसे जो प्रचलित रहे वो गुरु गोरखनाथ जी रहे। अब विषय आता कि इनके जन्म के विषय में क्या धारणा है। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी इनका जन्म माना गया, 10वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक इनका जन्म है, लेकिन ऑथेंटिक हम बात करें तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य इनका समय माना गया है। अब इनके विषय में एक जन्म के विषय में बहुत अच्छी कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, उसको बताता हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत सारी अलग अलग किद्वंतियाँ हैं, कुछ कह रहे हैं कि रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेपाल में इनका जन्म हुआ, बहुत सारे कहते हैं कि जो अभी गोरखपुर है जो योगी आदित्यनाथ का जो जिला है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो अलग अलग प्रचलित धारणाएँ हैं कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, लेकिन कहते हैं कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांग रहे थे, और जब वो किसी गांव में गए और भिक्षा मांगी तो किसी जो एक औरत निकल कर आई उसने भिक्षा देनी चाही, और भिक्षा देते देते उसने कहा कि माई कोई समस्या हो तो बताओ, आपको आशीर्वाद रहे, आपके बच्चों को आशीर्वाद दिए। तो उसने रोना शुरू कर दिया कि मुझे कोई औलाद नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ, और मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं मुझे बच्चा हो। तो बाबा ने जो मत्स्येंद्र नाथ जी थे उन्होंने एक बबूत निकाली और उनको दे दिया कि आप इस बबूत को खा लीजिए और आपको निश्चित रूप से बेटा पैदा होगा और आप माँ बन जाएंगी। तो इस प्रकार से वो दे करके चले गए। तो उसने वो घटना अपनी आस पड़ोस की औरतों को बताई, तो आस पड़ोस की औरतों ने कहा कि ऐसे बाबाओं के दीव बबूत नहीं खाते, पता नहीं आपको क्या हो जाएगा। तो उसने डरते हुए ने वो बबूत अपने जो कूड़े का जो ढेर था, जिसको हम जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं वहाँ पे उसने फेंक दिया, जहाँ पे कूड़ा को हम डंप करते हैं वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया। तो 12 साल के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी फिर घूमते हुए वहाँ पे आए, तो उन्होंने फिर कहा अलख निरंजन भिक्षाम देही, इस प्रकार के जो शब्द वो बोलते थे। तो वही औरत फिर से भिक्षा देने आई, तो मत्स्येंद्र नाथ जी को याद हुआ कि मैंने तो इसको आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने कहा कि माई आपको जो बेटा है वो तो बड़ा हो गया होगा, 12 साल हो गए होंगे उसको, 11-12 साल का हो गया होगा, तो कहाँ है वो, जरा दर्शन कराइए उसके। तो वो एकदम से हिचक गई कि बोले कि मैंने तो वो अपनी जो पास पड़ोस की जो महिलाएं थी उनके डर से मैंने उसको खाया नहीं बबूत को, और मैंने कूड़े के ढेर में उसको डंप कर दिया था, तो मैं डर गई थी तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो उसने कहा कि कहाँ पे डंप किया था, तो उसने कहा कि यहाँ पे डंप किया था घर के बाहर जो कूड़े का ढेर था, तो जिसको आम भाषा में कुरुड़ी
तो हमारा हरियाणवी वर्ड है, आप समझ नहीं पाएंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे मैंने उसको डंप किया, उसने कहा। तो जैसे ही वो वहाँ पे गए, उन्होंने अलख निरंजन बोला, और अलख निरंजन बोलते ही वो जो बच्चा था, वो 12 साल का बच्चा वहाँ से निकला। ऐसी किदवंती है, मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा, लेकिन एक जो प्रचलित और सबसे प्रचलित जो धारणा है, मैं उसको आपके सामने केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ पे जब उनको निकाला तो 12 साल का बेटा हुआ, तो वो गुरु गोरखनाथ हुआ, और वो अपने साथ उसको लेकर के गए, उनको योग की शिक्षा दी, हठ योग की शिक्षा दी, और आगे चल करके यही बालक गुरु गोरखनाथ सबसे महान ऋषि, सबसे महान योग का प्रचारक रहा हठ योग का, जिस आज तक जितनी प्रसिद्धि, आज तक जितने नाम गोरखनाथ जी का है, जितने मंदिर आप गोरखनाथ जी के देखेंगे, नाथ संप्रदाय को सबसे आगे अग्रणीय रखने वाला जो संप्रदाय था, हाँ, तो वो व्यक्ति थे आपके गुरु गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने घूम घूम कर पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक पूरे योग का प्रचार किया, प्रसार किया, अलख जगाई, और घर घर जाकर, उस समय कहते हैं 10वीं से 11वीं शताब्दी की हम बात करें, उस समय पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो योग नहीं करता था। हर व्यक्ति, जैसे आज है, आज तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो लेकिन आज भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो योग के विषय में ना जानता हो, कोई विरला ही होगा, कोई देश ऐसा होगा विरला जो योग के विषय में ना जानता हो, भले ही ना करता हो लेकिन जानते सब हैं। लेकिन उस समय पे जानते भी सब थे और मानते भी सब थे, माने सब लोग उसको, योग को अपनाते थे। तो योग की शिक्षाओं का बहुत प्रचार था, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में योग था, और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने घूम घूम करके प्रचार किया। तो गुरु गोरखनाथ जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ऊंचा है। उसके बाद बहुत सारे ऋषि हुए, बहुत सारी पद्धतियाँ चली, तो लेकिन गुरु गोरखनाथ जी की पद्धति क्या थी, योग की अवधारणा क्या थी, जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की, तो ऐसा ही गुरु गोरखनाथ जी ने किस प्रकार की बात की। सबसे प्रचलित उनकी पुस्तक है गुरु गोरखनाथ की गोरख संहिता। तो गोरख संहिता से बात करें, सिद्ध सिद्धांति पद्धति की बात करें, या गोरख सार की बात करें, या योग मार्तंड की बात करें, अनेकों पुस्तकों की रचना गुरु गोरखनाथ जी द्वारा की गई, लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो मान्यताएं थी, योग के 6 अंगों को उन्होंने मान्यता दी। जिस प्रकार से अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि मानते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने अष्टांग जो 6 अंग हैं योग के, उनको मान्यता प्रदान की, जिसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, माने यम और नियम को छोड़ करके, जो यम नियम की बात महर्षि पतंजलि करते हैं, उस यम नियम को छोड़ करके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से वहां पे बात की गई। अब बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि ये तो विरोधाभास हो गया कि महर्षि पतंजलि जी यम नियम की बात करते हैं, यहाँ पे यम नियम की बात नहीं की गई। मैं कहता हूँ देशकाल परिस्थिति के अनुसार, देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनेकों समय पे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। अब वर्तमान सिनेरियो क्या है, अब देखेंगे कोविड-19 है, यहाँ पे जो रचना होगी, अब जिन चीज़ों को बोला जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, उसमें कोविड-19 का पुट होगा, संक्रमण का पुट होगा, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग है, इस तीन चीज़ों का पुट होगा। उस समय पे भी समकालीन विषय की कुछ चीज़ें होती हैं, उस समय पे यम नियम को व्यक्ति पहले से ही फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या उस तरह की हिंसा का भाव उसमें नहीं रहा हो, तो अहिंसा की कहने की बात ना रही हो। देखिए, हर समय पे जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ज्वलंत जो समस्या होती है, उसके ऊपर जो समकालीन जो विद्वान होते हैं, या समकालीन जो थिंकर होते हैं, सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उसी चीज को आप आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि समस्या है, देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है। अब वर्तमान में क्या समस्या है, कोविड-19 की समस्या है, तो सब विद्वान इसी के ऊपर लगे हुए हैं। महर्षि जो स्वामी रामदेव जी से लेकर जिन्होंने कोरोनिल दवाई निकाली है, और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस चीज़ पे, तो वो उसी मुद्दे पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने जब अपने समकालीन जो चीज़ें देखी, तो उस समय पे यम नियम की पालन की विशेष जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग उसमें पालन कर रहे होंगे। तो ये भी एक भाव हो सकता है कि उन्होंने यम नियम को ना करके केवल आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की गई। जब आप देखेंगे घेरण ऋषि की बात आप करें 16वीं से 17वीं शताब्दी की, तो वहाँ पे षटकर्म के ऊपर विशेष जोर दिया गया है कि शोधन तो अति आवश्यक है, जब तक शोधन नहीं करेंगे, जब तक आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो पहले षटकर्म को रखा है, फिर आसन को रखा है, माने आसन से पहले ही षटकर्म को रख दिया, जबकि गुरु गोरखनाथ की परंपरा से ही आते हैं, और जबकि उन्होंने अलग कहा। यदि हम बात करें हठ प्रदीपिका की 14वीं से 15वीं शताब्दी की, तो उन्होंने कहा कि जब यदि शरीर में दोष बढ़े हुए हैं, यानी आपका वात पित्त कफ असंतुलित है, और कफ बढ़ा हुआ है, स्थूल बढ़ा हुआ है, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है,
तो ही आप षटकर्म करें, अदरवाइज आपको षटकर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है विशेष रूप से। तो ये स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं 14वीं से 15वीं शताब्दी में। उसी परंपरा के घैंड ऋषि कहते हैं कि नहीं, षटकर्म तो बहुत जरूरी है। क्यों कहते हैं ऐसा? बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है ये बात कि 14वीं से 15वीं शताब्दी में षटकर्म की आवश्यकता इसलिए भी नहीं पड़ी क्योंकि कफ से और जो मोटापे से जो पीड़ित लोग थे वो बहुत कम होंगे, यानी कि बहुत कफ की बहुत कम समस्या होगी, बीमार बहुत कम लोग होंगे। और जो मोटापा है, देखिए आज तो पूरा विश्व मोटापे से पीड़ित है, ओबेसिटी से पीड़ित है, बहुत व्यापक स्तर पर हम कहें तो हर देश में पूरा मोटापे के ऊपर पूरा काम हो सकता है और लाखों करोड़ों करोड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन जब 16वीं शताब्दी आई तो धीरे धीरे ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ, लाइफस्टाइल के चेंज होने से धीरे धीरे आपका जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो मोटापा बढ़ा, कफ बढ़ा होगा और असंतुलन हुआ होगा शरीर में। तो वहाँ पे जो महर्षि घेरण थे, उन्होंने महर्षि घेरण ने देखा कि ये समकालीन बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो आप ये विरोधाभास नहीं कह सकते। महर्षि पतंजलि जी ने यम नियम की बात की पालना की कि शुरुआत से बिगनर से ऐसे आना है, लेकिन जो अच्छे समझदार हैं वो केवल क्रिया योग से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो और भी ऊंचे दर्जे के हैं वो केवल ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास वैराग्य से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने सब चीज़ों को एक पुट दे दिया कि कोई बिगनर यहाँ से आ जाए, अनुभवी यहाँ से आए और भी अनुभवी यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं साधना को। ठीक वैसी ही बात आप देखें, गुरु गोरखनाथ जी ने कही कि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने दो आसनों की चर्चा की, सबसे पहले सिद्धासन पद्मासन। बहुत सारी आसनों की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत सारे आसनों की जरूरत नहीं थी, ओबेसिटी नहीं थी, बहुत सारी शारीरिक जो प्रॉब्लम थी वो नहीं होंगी उस समय पे। उसके बाद उन्होंने प्राणायाम की बात की तो केवल नाड़ी शुद्धि की बात की, केवल कुंभक की बात की, केवल कुंभक करें, नाड़ी शुद्धि करें, बहुत सारे प्राणायाम नहीं की। जबकि स्वामी स्वात्माराम जी की बात करें, हठ और घेरण ऋषि की बात करें, तो उन्होंने आठ आठ प्राणायाम की बात की है। वहाँ पे इतने प्राणायाम की आवश्यकता नहीं थी, ना इतने आसनों की आवश्यकता थी, ना षटकर्म की आवश्यकता थी, तो उन्होंने नहीं कहा। तो इसी प्रकार समकालीन जो प्रॉब्लम होती है, देखिए अभी आज कोविड-19 है, उसके अलावा मैं कहूँ कि आगे जो आने वाला समय है, अभी जो वर्तमान जो है, मैं कुछ समय में एक आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ, पोर्न के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो पोर्न वेबसाइट किस प्रकार से हमें अंधा बना रही हैं, किस प्रकार से हमें निष्क्रिय बना रही हैं, उसके ऊपर मैं आपके उसके ऊपर मैं आपके बात करूंगा। क्योंकि उस समय पे अभी जो वर्तमान का जो चला हुआ है समस्या, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवा इसके जाल में फंसे हुए हैं। तो आज हम बात करें कि पौर्ण के ऊपर बात की तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि उस समय पे जो योग के आचार्य हुए या योग के शिक्षक हुए उन्होंने पौर्ण के ऊपर भी लिखा, पौर्ण के ऊपर बात की है, कोविड-19 के ऊपर बात की, क्योंकि वर्तमान में प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, प्रॉब्लम ये है, अब यही प्रॉब्लम है तो इससे इसी के ऊपर बात की जाएगी। तो वैसा ही स्वामी स्वात्माराम जी ने किया, वैसा ही महर्षि घेरण ने किया, वैसा ही गुरु गोरखनाथ जी ने किया, वैसा ही महर्षि पतंजलि जी ने किया, वैसे ही महात्मा बुद्ध जी ने किया। तो सब लोगों ने अपने समकालीन जो समस्याएं थी उनको आधार में रखते हुए ही योग की रचना की। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इनमें विरोधाभास है, समस्या जो होगी उसी का तो समाधान किया जाएगा। तो इसलिए आप उन चीज़ों को देखें कि उन्होंने उनके समकालीन आप देखेंगे उस समय उस तरह की समस्याएं नहीं थी, तो उस तरह की शिक्षाएं उन्होंने नहीं कही। आज इतनी चीज भक्ति योग की बात क्यों आई 17वीं से 19वीं शताब्दी में? क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, बहुत लोग भक्ति में हो गए, तो भक्ति में आए तो भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद अब समकालीन देखें तो बीमारियों से जोड़ करके देखा, आज बीमारियां इतनी व्याप्त हैं तो स्वामी रामदेव जी ने बीमारियों से जोड़ दिया योग को, तो बीमारियों से जोड़ दिया तो आप देखेंगे कि और भी फेमस हो गया, क्योंकि बीमारियां बहुत थी तो आप कहेंगे कि योग का और बीमारियों का क्या तालमेल था। स्वामी महर्षि पतंजलि जी ने तो बीमारी की बात नहीं कही, ना उन्होंने षटकर्म की बात कही, क्योंकि उस समय पे इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो आज इस तरह की समस्याएं हैं, तो आज जो समस्याएं हैं, सेक्स की कितनी बड़ी समस्या है, पोर्न की कितनी बड़ी समस्या है, ये भी बहुत है, और बहुत सारे योगाचार्यों को बोलना चाहिए इस विषय पे, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्या है उसी पे तो आप बोलेंगे। देखिए योग का नेता होना भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने अपने क्षेत्र को उससे समस्याओं से रिलेटेड करवाकर आप अपने किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं समस्याओं को, अपनी योग शिक्षा से, अपनी शिक्षा से, अपनी जो आपकी जो पास जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम उन पे भी बात करेंगे आने वाले समय में। तो योग के 6 अंगों की बात मुख्य रूप से गोरखनाथ जी ने कही, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आसन 2 बताए, सिद्धासन और पद्मासन, प्राणायाम के विषय में नाड़ी शुद्धि की बात की और केवल पूरक रेचक और कुंभक की बात उन्होंने कही, और उसके बाद उन्होंने जो बात कही प्राणायाम की
प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा। धारणा पांच प्रकार की धारणा उन्होंने बताई, आकाशीय, वायवीय, जल, नभो, और ये जो पांचों जो हमारे जो तत्व हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पांच धारणाएं बताई, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, जल धारणा और आपकी वायु धारणा और आकाशीय धारणा। ये पांच प्रकार की धारणाएं कही, फिर ध्यान की बात की और उसके बाद हम उन्होंने आपका समाधि की बात की है। तो ये उनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रचना की, अनेकों कृतियां हैं उनकी, 40 से भी ज़्यादा उन्होंने बुक्स का की रचना की जो ऑथेंटिक है, और भी ज़्यादा की होंगी लेकिन जो प्राप्त हैं, जो तथ्यों से प्राप्त हैं वो केवल इतनी ही हैं। तो इतनी सारी चीज़ों की बात की, तो महर्षि पतंजलि जी अपने समय के योग नेता थे और गुरु गोरखनाथ जी अपने समय के योग नेता थे, बहुत बड़े। उन्होंने अपने अपने स्तर की जो समस्याएं थी उस समय, समकालीन जो समस्याएं थी, तत्कालीन जो समस्याएं थी, उनके ऊपर योग को फोकस किया और योग का प्रचार प्रसार किया और योग को इम्प्लीमेंट करवा करके योग का एक व्यापक दर्शन हमारे सामने रखा, जो कि आज भी निरंतर निर्बाध गति से हमें प्राप्त हुआ है। उस समय भी योग को अपनाने की जरूरत थी, आज भी योग को अपनाने की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे साथ सारे साथी वो जुड़ते हैं जो केवल नेट का पेपर नहीं देना चाहते, केवल QCI नहीं देना, जिनको केवल JRF नहीं लेना, बल्कि इस योग को जीवन में आत्मसात करना है। और जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारी के लिए करता है, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है, लेकिन यदि आप उस बेहतरीन के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, केवल जॉब ओरिएंटेड रहेंगे या आपका एग्जाम ओरिएंटेड यदि आपका फोकस रहेगा, तो वो सही नहीं है। वो केवल एक समय तक जाकर के आपको कम लाभ देगा, 20% लाभ आपको मिलेगा। यदि आप 100% लाभ चाहते हैं तो इसको बिल्कुल अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें, इन आसनों को, इन प्राणायाम को, इन क्रियाओं को, इन धारणाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें, यम नियम का पालन करने का प्रयास करें और जो समकालीन जो समस्याएं हैं उनको दूर भगाने का काम करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है आप सब लोगों से, और इतनी सारी संख्या में आप जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि योग परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आपके इसी प्रकार के प्यार की मैं अपेक्षा करता हूं। और जितने भी सुझाव हैं जरूर दीजिए, गलत बोल रहा हूं जरूर मुझे टोकिए, रोकिए, आपको टोकने और रोकने का पूरा अधिकार है और कोई पूर्ण नहीं है, मैं भी पूर्ण नहीं हूं। आंख बंद करके मुझ पे विश्वास कभी नहीं करना आपको, उसके लिए आपको ग्रंथों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आधारित बात करनी है, साइंटिफिक बात करनी है, लॉजिकल बात आपको करनी है। कोई भी योग गुरु या कोई भी गुरु ऐसा नहीं है जो अंधभक्त पैदा करे, कम से कम मैं तो नहीं चाहता कि मेरे पीछे अंधभक्ति हो या मेरे पीछे ऐसे फॉलोवर हो कि जो मैं कह दूं उसी को सत्य माने। मैं चाहता हूं कि मेरे जानने वाले, मेरे मानने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले, मेरे योग परिवार के सदस्य सभी तथ्यों के ऊपर आधारित बात करने वाले हों, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हों, साइंटिफिक चीज़ों को मानने वाले हों, विज्ञान सम्मत हों। तो विज्ञान सम्मत होंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। किसी एक लकीर को फॉलो करना या किसी एक परंपरा को फॉलो करना, एक परिपाटी पे रहना, उसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप इस तरह से अपने जीवन को जिए। तो आप खुल करके, खुले विचारों से, खुले दिमाग को आमंत्रित करें, अनेकों योग शिक्षकों को सुने, अनेक योगाचार्यों को सुने, अनेक योग गुरुओं के पास जाएं, जिनके पास से जो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तथ्यों के आधार पर करें, साइंटिफिक उस पर एस्पेक्ट पर उनको आधार पर आप एक्सेप्ट करें। तो इसलिए मैं कभी किसी को रिज नहीं करता कि आप यहीं रहिए, यहीं सुनिए। तो आपको जितना अच्छी चीज़ें लगती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करिए। और अभी यदि आपको आज का व्याख्यान अच्छा लगा तो निश्चित रूप से शेयर करिए, खूब शेयर करिए, अपने ग्रुपों में शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और नहीं लगा तो बिल्कुल भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, कोई लाइक करने का कंसेप्ट नहीं है, कोई कमेंट करने का कंसेप्ट नहीं है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा। आपको जितनी भी चीज़ें देखनी हैं, जितना भी आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से बढ़िए, और अच्छी चीज़ को बढ़ाना चाहिए और बुरी चीज़ को कंडम हमें करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो प्रचार हमेशा अच्छी चीज़ का होना चाहिए, और जहाँ पे मैं गलत हूँ मुझे ज़रूर करेक्ट करें, और मुझे आप करेक्ट करेंगे तो बहुत खुशी होगी। आप मुझे करेक्ट करके मेरी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करेंगे, मैं आपको करेक्ट करके आपकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करूँगा। इस प्रकार मिल करके सारे योग परिवार के सदस्य हम बहुत अच्छी चीज़ सीख लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपने व्याख्यान को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जितने प्रकार, जितने आप के सुझाव हैं, सवाल हैं, मुझे जरूर लिखिए और मैं सबका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। सादर आमंत्रित हैं आपके सुझाव जी।